हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक जो नए आपके पास कार्ड आए, जो चिप कार्ड्स नए इशू हुए अलग अलग बैंक्स से, तो उसके अंदर ये एक साइन कार्ड के ऊपर दिख रहा है जो वाईफाई के सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाने वाले साइन जैसा है। क्रेडिट कार्ड पे भी सेम ऐसा साइन है, उसके बाजू में शायद वीज़ा पे कुछ कार्ड्स पे लिखा होगा या फिर मास्टर कार्ड पे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये SBI का एक सैम्पल कार्ड है जो उसकी वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके डिटेल्स हम जानेंगे। तो ये मैंने SBI का वेबसाइट का पेज खोल के रखा है जिसके ऊपर उन्होंने अच्छे से डिटेल दिया हुआ है कि बेसिकली ये कार्ड क्या होता है। सॉरी, तो ये इस कार्ड को कहा जाता है कॉन्टैक्टलेस कार्ड करके। ये कार्ड की खासियत ये है कि इसके अंदर ये जो एरिया होता है या फिर कार्ड के अंदर इन्होंने एक एंटीना लगाया हुआ होता है जो कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। तो पहले कार्ड्स में क्या होता था, जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो कार्ड आपको या तो मैग्नेटिक कार्ड स्ट्रिप वाला पहले जैसा कार्ड होगा तो आपको स्वाइप करना पड़ता था, या फिर अगर चिप कार्ड है जो कि अभी नए आए हैं तो चिप के साइड से POS मशीन में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन में उसको इंसर्ट करना पड़ता था और उसमें पिन डाल के ट्रांजैक्शन हो जाता था। तो ये जो नए कार्ड है इसके अंदर एक नया सिस्टम ये आया है कि आपको सिर्फ वो POS मशीन में जो भी वेंडर है या फिर मर्चेंट है उसको अमाउंट डालनी है और ये कार्ड उसके ऊपर पकड़ना है POS मशीन के लिए 1 से 2 सेकंड के लिए, और उसमें बीप आवाज़ वगैरह आता है कंफर्मेशन का और आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसके में खासियत ये है या फिर एक रिस्की पॉइंट ये है कि इसके अंदर पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कार्ड है ये नियर फील्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो आपको सिर्फ उसके पास ले जाना पड़ता है। तो अगर गलती से आपका कार्ड किसी ने ले लिया या फिर वो मशीन के पास ले जाके वो एंटर करता है तो इसमें पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होने की वजह से वो डायरेक्टली उससे पेमेंट ले सकता है। ओके, ये एक इसमें पॉइंट है। और दूसरा जो इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर आप विदाउट पिन सिर्फ 2,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे वगैरह ऐसा वीडियो घूम रहा है कि आपका इसमें से बहुत सारा अमाउंट या फिर बहुत सारा जो पैसा है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है। तो उसके अंदर सॉरी ये पॉइंट है कि इसके से एक टाइम पे सिर्फ 2,000 तक का ट्रांजैक्शन हो सकता है विदाउट पिन, और एक दिन में SBI के साइट पे ऐसे डिटेल दिया हुआ है कि 10,000 तक का ही ट्रांजैक्शन जो कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी है विदाउट पिन उससे हो सकता है। तो उससे ज़्यादा होने के लिए उसको दूसरा दिन आना पड़ेगा। अगर आपका कार्ड खो जाता है, अगर लॉस्ट हो जाता है, तो आप अगर उसको टाइम में रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने से लेकर आगे तक के जितने भी फ्रॉडुलेंट या फिर इनवैलिड ट्रांजैक्शन उस पर होते हैं तो उसकी भरपाई का जो ऑब्लिगेशन लायबिलिटी आता है वो बैंक पे होता है। तो रिसेंटली RBI का वैसा रूल था, तो इतना उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना करना, अगर आपका ऐसा कार्ड खो जाता है तो जल्दी से जल्दी उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। ओके, ये एक SBI के साइट पे है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि सेम ऐसे डिटेल एक प्राइवेट बैंक के डिटेल्स भी दिखाता हूँ जो कि HDFC बैंक है, उसके FAQ सेक्शन में उन्होंने सेम दिया हुआ है, बट इन्होंने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे का लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो बस ये एक पॉइंट आपको समझना है कि ये एक NFC टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला कार्ड है, इसे पिन की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम पे 2,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन मैक्सिमम हो सकता है। SBI के कार्ड के डिटेल मुझे पता है कि दिन भर में मैक्सिमम 10,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी ये अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में भी रिसेंटली आई है, हालांकि कुछ देशों में ये टेक्नोलॉजी पहले से थी, लगभग 2007 के करीब ये NFC टेक्नोलॉजी के कार्ड आने को शुरुआत हुई थी, मगर अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो नवंबर दिसंबर में अमेरिका में कुछ कार्ड्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया, जहाँ तक मेरी इन्फो है वो ये है। ओके, तो इसके कार्ड के बारे में आपको केयर इतनी लेनी है कि ये कार्ड आपका पहले तो खोना नहीं चाहिए विदाउट परमिशन, या फिर बिना अगर आपका ध्यान नहीं है तो किसी के हाथ में कार्ड मत दीजिए दुकान में वगैरह। पहले वो अमाउंट कंफर्म कीजिए कि मशीन में क्या अमाउंट डाला है, क्योंकि एक बार वो मशीन को टच करते ही आपके अकाउंट से पैसे कट हो सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ था कॉन्टैक्टलेस कार्ड के बारे में। ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सब में आया हुआ है। ओके, तो अफवाहों पे वगैरह विश्वास मत कीजिए, इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए और इससे जो कन्वीनियंट मिलता है उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए और इसके रिस्क से खुद को बचाने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।